धाम सावलिया जी मंदिर आज अमावस्या की वजह से श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा। चित्तौड़गढ़ स्थित आवरी माता के दर्शन करने के लिए लोगों का जत्था रवाना हो गया है। मान्यता है कि नवरात्र में माता के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। कानपुर के रेल बाजार मैदान में पिछले 65 साल से चली आ रही परंपरा टूटेगी। इस बार यहां रामलीला नहीं बल्कि स्वास्थ्य कैंप लगाकर लोगों को सेहत के प्रति जागरूक किया जाएगा। शिमला में शारदीय नवरात्र में कोरोना के चलते इस बार तारा देवी मंदिर में विशेष आयोजन नहीं होंगे। राजधानी दिल्ली के झंडे वालान मंदिर में इस बार नवरात्र उत्सव मनाया जाएगा। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए श्रद्धालु मां के दर्शन कर सकेंगे। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के लिए पंजीकरण में अब प्रत्येक यात्री को आधार नंबर देना जरूरी होगा। कुल्लू के ऐतिहासिक दशहरे मेले में इस बार कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही एंट्री होगी, साथ ही मूर्ति और देवव्रत को छूना वर्जित होगा। रायपुर प्रशासन ने नवरात्र को लेकर गाइडलाइन जारी करते हुए कहा है कि इस बार दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित तो होंगी लेकिन ना ही झांकी निकलेगी और ना ही भंडारे का कोई आयोजन किया जाएगा।